डॉलर तारीखी बुलंदियों पर, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4.80 रुपए महंगा, 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दो रोज में डॉलर 9.05 रुपए महंगा हो चुका। फिच ने पाकिस्तानी मार्शत का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आलमी इदारे का कहना है पाकिस्तान में सियासी और मौशी बहरान का सामना, IMF प्रोग्राम भी खदशात का शिकार है। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने पर अफरात जर की शराब बुलंद सतह पर है। ज़िम्न इंतखाबात में शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इत्तेहादी जमातों के कायदीन मुल्की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इत्तेहादी और PDM के कायदीन अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी लाहौर पहुंच गए, इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज पर तबादला ख्याल होगा, कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर भी गौर होगा। आसिफ अली सरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है इमरान खान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, आईन और कानून के मुताबिक फराए सर अंजाम देते रहेंगे। वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। ट्विटर पर पैगाम में कहा रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही, इमरान खान को दिया गया इस्तिस्ना मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। पंजाब में हार गए इमरान खान की तरह उठकर भागेंगे नहीं, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTI ने अपनी 20 में से 15 सीटें हासिल की। अदालत से पूछा है 3 साल से आ रहे हैं, हमारा जुर्म क्या है? चेयरमैन नैब घर चला गया, नैब का सर्कस अभी तक चल रहा है। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पीर के रोज समाअत करेंगे। वजारत दाखिला, वजारत इत्तला, चेयरमैन पैमरा और PID को फरीक बनाया गया। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी भी पोस्टमार्टम के हक में अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट की दानिया शाह को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर, सबको सुनेंगे, जल्दी में कोई फैसला नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क, केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.91 रुपए बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। हुकूमत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज। कराची में शिमाल मगरब से आने वाले बरसात का सिस्टम कमजोर पड़ गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद में हालिया बारिशों में दरपेश मसाइल दूर नहीं हुए। मुतादिद सड़कों पर गड़े पड़ने की वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। गर्मी बढ़ते ही बिजली की मांग में इजाफा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,065 मेगावाट हो गया। बड़े शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग, ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड, 259 नए केसेस रिपोर्ट, 163 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। लाहौर में शरह 5.88, हैदराबाद में 4.95% रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.33 और कराची में 3.47% रिकॉर्ड। और लेजेंडरी अदाकार नदीम ने जिंदगी की क्यासी बहारें देख ली, असल नाम नजीर बेग। आईना, बंदिश, मुखड़ा समेत बेशुमार कामयाब फिल्में की।